आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए आज जो है वो नामांकन किया जाएगा। वहीं पर अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात करें तो उनके द्वारा आज यहां पर नामांकन देखने को मिलेगा। बता दें कि सुबह 11 बजे जो है वो विधानसभा में महेंद्र भट्ट द्वारा नामांकन किया जाएगा। वहीं पर यानी कि एक घंटे बाद अभी से अगर बात करें तो यहाँ पर नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। जिस तरीके से आपको बता दें कि इस दौरान अगर बात करेंगे तो पुष्कर सिंह धामी यानी कि मुख्यमंत्री जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहीं पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं पर आपको बताते चले कि राज्यसभा चुनाव के लिए आज यहाँ पर नामांकन दाखिल किया जाएगा। 24 चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो लगातार जारी हैं। और वहीं पर अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र भट्ट यहां पर राज्यसभा के लिए अपना नामांकन जो है वो पेश करेंगे। वहीं पर अभी से मात्र एक घंटे के बाद यानी कि 11 बजे जो है वो विधानसभा में महेंद्र भट्ट द्वारा यहां पर नामांकन किया जाएगा। और इस दौरान सीएम धामी यानी कि पुष्कर सिंह धामी और वहीं पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहेंगे। और राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो सभी जो है यहाँ पर 24 चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी यूटीज हैं, स्टेट्स हैं, वहां पर लगातार 24 चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पर उत्तराखंड में भी ये तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, जिसके तहत की सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चाहे कांग्रेस है, विपक्षी दल की बात करें या फिर वो भाजपा है, उनके द्वारा यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो उनकी झोली में आए। वहीं पर राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र भट्ट वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं पर सुबह 11 बजे यानी कि अभी से मात्र एक घंटे के बाद यहां पर विधानसभा में महेंद्र भट्ट द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। और इस दौरान उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जो है वो मौजूद रहेंगे। उसी के साथ साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक में 15 मामलों पर चर्चा की गई, जिनमें से कि गृह विभाग में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को लेकर संशोधन हुआ और उनकी ड्रेस को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि राज्य सरकार के सेवारत कर्मियों को चिकित्सा प्रक्रिया में होने वाले खर्चे को लेकर भी फैसला हुआ है। वहीं पर आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग में मेधावी छात्रों को टॉप कॉलेजों में एडमिशन के लिए 50 छात्रों को 50,000 रुपए दिए जाने का भी फैसला यहां पर किया गया। बता दें कि नागरिक उड़ान विभाग भारत सरकार की तरह उत्तराखंड में भी उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम शुरू की जाएगी। वहीं पर आयुष विभाग में 8 उच्चतरीय अस्पतालों में लगभग 80 पदों पर स्वीकृत जो है वो यहाँ पर मंजूरी दी जाएगी। इसी के साथ विधानसभा सत्र देहरादून में भी यही गैर सैन्य में नहीं होगा विधानसभा सत्र। विभाग का प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण संशोधन नियमावली पास हुई है। पसारा ये एक व्यवस्था है जिसमें प्राइवेट सुरक्षा की जो एजेंसीज हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करती हैं। इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल जाता है सुरक्षा के कार्यों के लिए। ये जो यूसीसी की विशेषज्ञ समिति बनी थी, इसमें उसमें संशोधन हुआ है, जिसमें डिटेल आपको अजीत अलग से दे देंगे। इससे इसमें कुछ पैसा जो जमा करते थे वो उनको वापस करना है, मतलब उसको थोड़ा सरल बना दिया है नियमावली जो है इसकी, पसारा के नियमावली। उधम सिंह नगर में पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे की जो लंबाई है उसको विस्तारित करने के लिए 1372 मीटर से 3000 मीटर तक विस्तारित किया गया था। इस भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने पहले ही अनुमति दे दी थी। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NH 109, जो पुराना NH 87, उसके 7 किलोमीटर लंबाई को पुनः संरेखण और निर्माण किया जाना है, जिसके लिए NH द्वारा लगभग 7 किलोमीटर लंबाई की लागत 188.55 करोड़ वहन किए जाने हेतु राज्य सरकार की सहमति दी गई है। ये जो बेसिकली पंतनगर एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें वो NH को शिफ्ट करना है। NH की ज़मीन एयरपोर्ट एक्सपेंशन में आ जाएगी, तो NH को अलग से इसमें ज़मीन देनी है। और इसके बाद एक और लास्ट मद आया था जो आबकारी नीति से संबंधित था,
इसमें जो पिछले वर्ष टारगेट था 4,000 करोड़ का, आबकारी से जो राजस्व मिलता है उसको 10% बढ़ा के 4,400 करोड़ पे कैबिनेट की सहमति बनी है। आबकारी नीति से जो विस्तृत डिटेल्स होंगे वो सचिव आबकारी आपको पृथक से प्रेस नोट भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वाहनों के बाहर वीआईपी नंबर पाने के लिए लोग दिल खोलकर पैसे खर्च कर रहे हैं, जिससे कि राज्य सरकार को अच्छा रेवेन्यू मिलेगा जो कि जनता के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि इसी को लेकर आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो फैंसी नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए होते हैं उनको ऑनलाइन माध्यम से नीलाम किया जाता है, जिसमें कि एक सीरीज में 38 नंबर होते हैं और लेटेस्ट सीरीज की बात करें जो कि सीरीज में तक जो अगर बात करेंगे तो 22 नंबर तक जाता है, जिससे कि 17,000 रुपए का जो रेवेन्यू है वो आता है। ऐसा है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर फैंसी नंबर्स जो होते हैं रजिस्ट्रेशन के, उनको ऑनलाइन माध्यम से ऑक्शन किया जाता है। कुल मिला के एक सीरीज में 38 नंबर होते हैं और 38 नंबर में से अगर लेटेस्ट सीरीज का एग्जांपल लें तो एफएस सीरीज में 22 नंबर जा चुके हैं, जिससे 17,98,000 का रेवेन्यू आया है। जो 001 नंबर है वो सबसे महंगा 7,22,000 का गया हुआ है। उसके बाद हमारे दूसरे नंबर 0009 जो है वो लगभग 2,60,000 का गया हुआ है। इससे काफ़ी अच्छा राजस्व हमारे पास आया हुआ है और इसके अलावा कई ऐसे नंबर भी हैं जो आदमी एक फिक्स्ड अमाउंट पर बुक करा सकते हैं और वो ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। इन सब के माध्यम से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले दिनों उपद्रव की घटना के बाद अब धीरे धीरे प्रशासन ने पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बना दी है। हालांकि अभी भी दंगाग्रस्त क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है, वहीं पर दंगइयों के धरपकड़ के लिए अभियान जो है वो लगातार जारी है। बता दें कि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाने के साथ साथ उस पर इनाम भी घोषित किया जा रहा है। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दंगाग्रस्त क्षेत्र में अतिक्रमण वाले स्थानों पर बनभूलपुरा में पुलिस थाना खोलने की घोषणा की थी और साथ ही साथ घोषणा के अंदर 24 घंटे के अंदर चौकी का उद्घाटन कर दिया गया। हल्द्वानी हिंसा में घायल महिला पुलिस कर्मियों ने चौकी का उद्घाटन किया है। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि दंगइयों से निपटने के लिए कहीं पर भी कोई कमी ना छोड़ी जाए। फरार है जो अगर हम मानेंगे जो है अब्दुल मलिक इसमें मुख्य आरोपी है तो अब भी फरार है। उसके खिलाफ जो है 82 जो है वो कुर्की वारंट लिया गया है। जल्द ही नाम की कार्रवाई इसमें की जाएगी और जो है इसमें लुकआउट भी जारी किया जाएगा। सर वहाँ जो है कर्फ्यू अभी भी बरकरार है और जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार जो है वो छापेमारी कर रहा है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, उपद्रवी है, जो दंगाई हो उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनको चिन्हित करके जो है विवेचना, जो 3 FIR हुई है और तमाम लोग जो है कुछ नामजद है, कुछ अज्ञात है, कुछ फरार है, सब विवेचना आगे में प्रचलित है और जो जिनके नाम प्रकाश में आ रहे हैं उनके ऊपर लगातार छापेमारी की जा रही है। अब तक इसमें जो है 36 से ज्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और जो है अभी भी काफी लोग इसमें जो 9 लोगों के खिलाफ जो है अभी वारंट 82 कुर्की का वारंट लिया गया है और जल्दी जो है इसमें कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। आगे इन पे इनाम भी घोषित हो जाएगा और जल्दी जो है पुलिस और तेजी से अपना शिकंजा कसेगी। बहरहाल पुलिस ने जो है अपना एक अच्छा वहां उपक्रम चलाते हुए जो है एक चौकी भी मलिक के बगीचे में शुरू कर दिया है, अस्थाई चौकी। और पुलिस जो अभी कर्फ्यू में जो कुछ जो जीवनावश्यक सेवाएं हैं वो बहाल किए गए और जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण भी पुलिस अपने मार्गदर्शन में लगातार कर रही है और जो है पुलिस जो है जो आम जन है उनसे लगातार जो है समन्वय और वार्ता में है ताकि कोई निर्दोष के साथ कोई इस तरह की कोई बात ना हो और जो दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ क्रूकी का आदेश हुआ है।
डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हैं और वहीं पर पुलिस की कई टीम में विभिन्न राज्यों से अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। वहीं पर इन फरार उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के लिए क्रूकी के आदेश जारी किए हैं। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुड़की कहते हैं, वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सबका एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी को लेकर बात करेंगे तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बीते 8 फरवरी में उपद्रव और दंगे के बाद कर्फ्यू को 7 दिन हो चुके हैं और इसी बीच पुलिस अब दंगइयों की गिरफ्तारी के साथ ही अपनी जांच को नए एंगल की तरफ मोड़ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना का यहां पर यह कहना है कि 8 फरवरी के दिन नगर निगम और वहीं पर पुलिस की टीम पर हमला करने वाली महिलाओं को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि घटना के दिन बड़ी तादाद में महिलाओं ने विरोध किया और साथ ही साथ उनके द्वारा पत्थरबाजी भी की गई। एसपी का कहना है कि पुलिस उन महिलाओं को भी चिन्हित कर रही है जिन्होंने पुलिस और प्रशासन की टीम पर बड़ी संख्या में पत्थरबाजी की और उन्हें घायल किया। बता दें कि गौरतलब यहां पर यह है कि पुलिस में अब तक 36 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है जिनमें बड़ी मात्रा में असल और गोलियां जो है वो बरामद की हैं। देखिए उपद्रव में उस दिन जब जो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है, तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित करें कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। और इस सारे प्रकरण में हम लोग कुछ डाटा सर्विलांस भी कर रहे हैं तो उसके माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि इन लोगों को अचानक किसने उकसाया और ये लोग किसके कहने से इस तेज़ी से पुलिस पार्टी पर फायरिंग पथराव में आगजनी घटनाएं करने। देखिए इस घटना में जिसके द्वारा जिस भी तरीके का एक्ट किया गया है और जो भी उसके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए हथियार यूज हुआ है वो उस तक कैसे पहुंचा है, उसकी सप्लाई कैसे हुई है और उसने किसके कहने पे यूज किया है, इन सब चीजों को विवेचना में शामिल। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा पुलिस ने 6 दंगइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पर गिरफ्तार किए गए उपद्रवियों को अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अभी तक पुलिस इस मामले में 36 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा पुलिस ने कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र से 41 हथियार भी जब्त किए हैं जो कि नामजद आरोपी फरार है उनकी प्रॉपर्टी को भी पुलिस द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। हल्द्वानी क्षेत्र में जो 8 तारीख को घटना हुई थी उसमें हमने 3 FIR पंजीकृत किए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इसमें कुछ अभियुक्त पहले जेल भेजे थे। इन्हीं 3 FIR में आज जो है हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 लोग जो हैं जो थाने के बाहर घटना हुई थी, थाना जलाने की जो कोशिश हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है। 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी जो पुलिस का वाहन था और जो हमारे कर्मचारी से रिवॉल्वर छीना उस मामले में, और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो नगर निगम के व्हीकल थे उनके डैमेज में और उस क्षेत्र में हुए पथराव एवं आगजनी के मामले में हुई है। तो इस तरीके से आज हमने 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। अब तक इस मामले में 36 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस्कॉन संस्था अपनी सेवा भाव के लिए भारत में ही नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध है। आए दिन इस्कॉन मंदिर द्वारा जनहित में अनेकों कार्य किए जाते हैं। वहीं पर जनहित कार्यों की कड़ी में इस्कॉन संस्था द्वारा एक बड़ी पहल की गई है जहां पर कि इस्कॉन संस्था द्वारा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के साथ आए तीमारदारों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया।
बता दें कि इस्कॉन ने अपने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम के तहत अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को दोपहर की भोजन की शुरुआत की, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून अस्पताल की ओपीडी ब्लॉक के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस्कॉन की तरफ से की गई पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को सरकार की तरफ से भोजन की सुविधा है। उन्होंने संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मरीजों को अस्पताल में भोजन तो उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन उनके साथ आए निर्धन तीमारदारों को भोजन नहीं मिल पाता। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस्कॉन देहरादून का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक काफ़ी दिनों से दिक्कत थी कि हम मरीजों को तो खाना देते हैं हॉस्पिटल में, पर उनके साथ जो गरीब तीमारदार आते हैं उनके लिए खाना नहीं मिल पाता था। इसलिए इस्कॉन की तरफ से अब पर डे जितने भी तीमारदार आएंगे उनको यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। और आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं मेडिकल कॉलेज की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस्कॉन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। उनके जो डायरेक्टर है वो हमारे IIT मंडी के भी डायरेक्टर हैं, बहुत विद्वान हैं और सब लोगों से कंट्रीब्यूशन करके वो भी संस्था को चलाते हैं। और उनका एक प्रस्ताव और है कि हमको दो संस्कृत विद्यालय दिए जाए, तो हम उनको दो संस्कृत विद्यालय भी दे रहे हैं। और निकट भविष्य में हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर जगह मिल जाएगी तो खाना फिर यहीं पे बनेगा, ताकि गरम गरम खाना सभी को दिया जा सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम फूड फॉर लाइफ है, ये हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद जी, इन्होंने 1972 में इसकी शुरुआत करी थी। तो प्रभुपाद जी एक बार एक स्थान पर थे जहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जूठी पत्तलों के लिए कुत्तों से लड़ रहे थे, तो उनको उस दृश्य पर बड़ा वेदना उनको प्रकट हुई और उन्होंने सोचा कि आज जो भी हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं उसमें हम ये सेवा शुरू करेंगे कि आसपास के जो भी लोग हैं जिन्हें भरपूर भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो उनको हम वो प्रसाद सभी को मुहैया कराएं। इसी इनिशिएटिव को शुरू करते हुए देहरादून में मोथरावाला में जो इस्कॉन का टेंपल अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, तो हमने सोचा कि इसी अपने कार्यक्रम को हम यहाँ पे भी शुरू करें देहरादून में। तो सबसे उपयुक्त स्थान हमको दून हॉस्पिटल लगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि देहरादून हॉस्पिटल जो दून हॉस्पिटल है देहरादून में, ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड एक तरीके से सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो अधिकांश लोग हैं जो आते हैं वो पहाड़ों से आते हैं। और हम सब जानते हैं कि जब पहाड़ पे किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो जल्दी आनन फानन में सबको निकलना होता है ताकि जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटी मिल सके उन्हें। बहुत ज़्यादा लक्ष्मी भी उनके पास, धन भी नहीं होता है। फिर जब देहरादून आते हैं तो एक मेंटल एंजाइटी रहता है कि उनके जो क्लोज्ड वन है उनकी तबीयत खराब है, और फिर उसे अच्छा भी नहीं लगता है कि वो बाहर होटल में जाके खाना खाए और पैसे की भी तंगी रहती है। तो हमने सोचा कि इन्हीं सारी जो ये समस्याएं हैं इनके समाधान के लिए हम ऐसा करें कि दिन में एटलीस्ट एक बार हम शुरू में यहाँ पे लोगों को मुफ्त प्रसाद वितरण करें ताकि वो उनका कष्ट हम शेयर कर सकें। तो ये हमारा इसके पीछे एक सोच है। फर्दर प्लान ये है कि इसको एक्सपैंड करेंगे, केवल अभी तो केवल एक बार कर पा रहे हैं, बट अगर सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे। उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय दून अस्पताल में इस्कॉन मंदिर द्वारा तीमारदारों के लिए प्रतिदिन निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में भी इस्कॉन संस्था को अपने किचन खोलने की जगह देने की घोषणा की। वहीं पर इस्कॉन का किचन खुलने से मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को भी ये शुद्ध शाकाहारी निःशुल्क भोजन मिलेगा। देखिए, हमारा श्रीनगर जो मेडिकल कॉलेज है वो चार धाम यात्रा का एक केंद्र बिंदु है और वहां पे भी लगभग 2000 से ज्यादा मरीज आते हैं। तो मरीजों को खाना तो हम सरकार की तरफ से खिलाते हैं, लेकिन वहां पे भी तीमारदार काफी दिक्कत में रहते हैं। वहां पे हमने अब रैन बसेरा भी बना दिया है तीमारदारों के लिए, और अब हम 2 बीघा या 1 बीघा जमीन जितने भी होगी इस्कॉन की जितनी डिमांड होगी वो देंगे, और ताकि वहाँ पे एक अच्छी किचन बन जाए और मरीजों के साथ तीमारदारों को भी निःशुल्क भोजन वहाँ पे मिल सके।
दिनेशपुर क्षेत्र में बसंत पंचमी पर का पर्व जो है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में आज देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। हर बसंत पंचमी पर क्षेत्र के विभिन्न स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि दिनेशपुर क्षेत्र में बंगाली समुदाय के लोग अपने बच्चों के साथ स्कूल में भर्ती करने से पहले सरस्वती पूजा करते हैं और पंडितों द्वारा बच्चों के हाथ पकड़कर देवी सरस्वती का नाम लिखते हैं। सबसे पहले माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और ये जो पूजा है, क्योंकि वो विद्या की देवी है, संगीत की देवी है, इसलिए सर्वप्रथम उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ की पूजा करने से हम सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो संगीत सीखने वाले बच्चे होते हैं वो संगीत सीख सकते हैं। इस तरह से कला होती है, कला के क्षेत्र में सब आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा की देवी है वो, उन्हें आगे बढ़ाने की देवी है वो, शक्ति की देवी है वो, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। अतः इस दिन माँ से प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए कि माँ हम सभी को सुबुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, जिससे हम अधर्म पर विजय कर सके और बसंत पंचमी का दिन है। आज का दिन जो है माँ सरस्वती की पूजा दिन से धन्य से और बिना कुछ खाए किया जाता है ताकि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। व्रत रखते ही अंजलि दिया जाता है ताकि माँ सरस्वती कृपा करे, अच्छा अंकों से उत्तीर्ण कराए बच्चों को, उनका मनोभावनाएं मन की इच्छा पूर्ण करे, ये समझ के सब माँ सरस्वती की हम लोग आराधना करते हैं और उनको प्रतिवर्ष पूजा करते हैं, यही हम लोगों की मन की इच्छा है। ठीक प्रक्रिया में जो हमारे पूर्वज से चले आ रहे कि माँ सरस्वती के प्रति हमारा श्रद्धा भक्ति होने के कारण विद्या के पहले प्रथम पाठशाला कहा जाता है, जिससे कि बच्चों का हाथ में पहले जो पंडित द्वारा लिखवाया जाता है, जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो और अच्छा विद्वान बने, अच्छा पढ़े लिख के समाज में कुछ अच्छा कर सके। इसी तरह से कोई भी बच्चा विद्या से वंचित ना रहे और विद्या को ग्रहण करने का सबका अधिकार है और सर्वधर्म को अधिकार करने का अधिकार है, सब कर सकते हैं। इसीलिए विद्या की पहली कड़ी पंडितों द्वारा उनसे हाथे खड़ी के रूप में बंगला भाषा में इसको करवाए जाते हैं। बागेश्वर में ढलान में गियर डालकर वाहन स्टार्ट करने से एक बस चालक के काबू से बाहर हो गई। वहीं पर अनियंत्रित बस ने पहले खड़ी पीपक को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त हुई, उसके बाद एक ऑटो कार और मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करते हुए दुकान में घुस गई। इस हादसे में दुकान की दीवार और शटर और काउंटर जो है वो टूट गया और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हल्द्वानी हिंसा के बाद अब उधम सिंह नगर जिले में हाई अलर्ट के मद्देनजर सीमांत खटीमा नगर में विभिन्न मार्गों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन द्वारा दल बदल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस बल का शक्ति प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर आपराधिक तत्वों और असामाजिक तत्वों के हौसले को नाकाम करने के दृष्टिकोण से थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्लैग मार्च के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जिला अभी हाई अलर्ट पर है, इसी अलर्ट के दृष्टिगत आज थाना क्षेत्र अंतर्गत समस्त फोर्स द्वारा थाने के मिश्रित आबादी क्षेत्र, घनी आबादी क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि असामाजिक तत्वों को ये संदेश दिया जा सके कि वो अपनी असामाजिक हरकतों से बाज जाएं और जन सामान्य को सुरक्षा का आभास कर सकें। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।